नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या आईपीओ में पैसा लगाना सही है या नहीं। दोस्तों आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कोई भी कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आती है तो वो पब्लिक से पैसा लेने के लिए अपना आईपीओ लॉन्च करती है, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जब नई नई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में अपना स्टॉक लिस्ट करती है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों पहले आप उसकी हिस्ट्री को जान लो, वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी पर कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी का टेक्निकल चार्ट, कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूं कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट कैसा होता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टेक्निकल चार्ट है, आप देख सकते हैं यहां पे, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों इस टाइप का ये टेक्निकल चार्ट होता है, ये एक टेक्निकल चार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये एक टेक्निकल चार्ट है। तो दोस्तों इस टेक्निकल चार्ट के माध्यम से ही हम ये पता लगाते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आईपीओ का टेक्निकल चार्ट कैसे बनेगा? देखो टेक्निकल चार्ट तो तभी बनेगा ना जब उस स्टॉक को मार्केट में समय हो जाएगा, मतलब कि आप कम से कम शेयर को 6 महीने तक रहने दो, मतलब 6 महीने तक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट मत करो। जो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब मार्केट में कंपनी अपना नया स्टॉक लिस्ट करती है तो उसमें आप पैसा इन्वेस्ट मत करना, पहले उसका इस तरह से टेक्निकल चार्ट बनने दो, पहले ये तो चेक कर लो कि कंपनी अब मार्केट में आई है, अब कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कंपनी में क्या हो रहा है, बढ़ रही है, गिर रही है, साइडवे चल रही है, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप पहले होने दो। दोस्तों मैं आपको बताता हूं लोग गलती क्या करते हैं। लोग सोचते हैं कि मार्केट में नया नया स्टॉक लॉन्च हुआ है, अरे अभी तो इसकी कीमत मात्र 10 रुपए है, अरे अभी तो ये 50 रुपए का है, अरे अभी तो ये सिर्फ 100 रुपए का है, अभी तो छोटा है, खरीद लो, बढ़ जाएगा, 100 रुपए से 500 पहुंच जाएगा, 10 रुपए से 100 रुपए पहुंच जाएगा। लोग इस तरह से सोचते हैं, मैं भी ऐसे सोचा करता था बहुत पहले, 10 साल 12 साल पहले मैं भी ऐसे सोचा करता था। मुझे भी लोग बोला करते थे कि भाई मार्केट में फलाना स्टॉक लिस्ट हुआ है, फलाना आईपीओ आया है, आईपीओ में पैसा लगा दो, और हम लगा दिया करते थे। और होता क्या था, उसका उल्टा। मैंने क्या बोला, कौन सी कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेके आती है, वही कंपनी आईपीओ लेके आती है जिसको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है। अब मान के चलो कोई भी फलाना स्टॉक है, अब उसने मार्केट में अपना स्टॉक लॉन्च किया, ठीक है, मार्केट में कंपनी अपना आईपीओ लेके आई 100 रुपए के रेट पर, अब 100 रुपए के रेट पर कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है, सब ने उसमें पैसा डाला, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा डाला। अब मान के चलो उस कंपनी पे ऑलरेडी कर्जा है, तो वो क्या करेगी, आपके पैसे से पहले अपना कर्जा उतारेगी, तो ऐसे में वो स्टॉक बढ़ेगा नहीं, वहीं अटका रहेगा या गिर जाएगा। अब आप सोचोगे हमने तो इसमें पैसा लगाया, ये स्टॉक गिर कैसे गया या ये स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा, इसमें तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो इसीलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप यहां से डाल रहे हो और यहां से कंपनी पैसा निकाल रही है, आप डाल रहे हो वो निकाल रही है, आप डाल रहे हो वो निकाल रही है, इसीलिए तो कंपनी ने अपना स्टॉक लॉन्च किया है ताकि आप पैसा दे सको, पर आपको पता ही नहीं है, उस कंपनी की हिस्ट्री का नहीं पता, फिर कंपनी में कर्जा चढ़ा हुआ है। चलो कंपनी में कर्जा भी नहीं चढ़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंपनी किस तरह से काम कर रही है हमको कुछ नहीं पता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले कम से कम कंपनी को 6 महीना पुरानी होने दो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप आईपीओ में पैसा मत लगाओ, आप आईपीओ में पैसा लगाओ, आप कंपनी के शेयर्स खरीदो, लेकिन कम से कम उसको 6 महीना पुराना होने दो, 6 महीना कंपनी को काम करने दो कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है और कंपनी का स्टॉक नीचे गिर रहा है या बढ़ रहा है या साइड में चल रहा है, क्या चल रहा है। तो पहले ये सब चेक कर लो, ये सब चेक करने में आपको 6 महीने का समय देना पड़ेगा, मतलब 6 महीना पुराना होने दो। तो 6 महीने पुरानी, 6 महीना पुरानी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट आप करो, ठीक है, बाकी 1 साल पुरानी हो, देखो कंपनी जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, उतनी ज्यादा अच्छी होगी।
तो पुरानी से पुरानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, नई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट मत करो। कम से कम 6 महीने पुराना उसको होने दो, क्योंकि 6 महीने में उसका इस तरह से टेक्निकल चार्ट बन जाएगा और टेक्निकल चार्ट के माध्यम से हम ये पता कर पाएंगे कि अब कंपनी का शेयर बढ़ेगा या गिरेगा या क्या होगा उसमें। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा आप कंपनी के बारे में टेक्निकल चार्ट से ही पता कर सकते हो। फंडामेंटल अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको बिल्कुल रियल वाली न्यूज नहीं मिलेगी। कंपनी वाले बिल्कुल रियल न्यूज आपको कभी नहीं देंगे कि उनकी कंपनी में क्या हो रहा है, उनकी कंपनी पर कोई कर्जा तो नहीं है, या वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो ये सब चीजें थोड़ी किसी को बताते हैं, वो नहीं बताएंगे किसी को भी। तो इसलिए फंडामेंटल पे भरोसा मत करना। फंडामेंटल में बहुत सारे लोग फेक न्यूज फैला देते हैं कि ये फलाने स्टॉक बढ़ने वाला, पैसा लगा दो। वो जानबूझ के फैलाते हैं, आप पैसा लगाओ वो निकाल लेंगे, आपका पैसा गया। आपने 100 रुपए के रेट पर खरीदा, 100 रुपए से वो आ गया 50 रुपए पे, अब कर लो आप क्या कर लोगे, आपका पैसा तो उसमें फंसा रह जाएगा ना। फिर आप इंतजार करोगे कब ये वापस 100 रुपए पे आएगा, फिर मैं पैसा निकालूंगा, तब मैं अपना पैसा रिकवर करूंगा। तो भैया 50 रुपए पे वो आया है, 50 से वापस 100 रुपए जाने पे उसको समय लगेगा, उसको 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है वो स्टॉक ही डूब जाए। क्योंकि स्टॉक आते हैं तो डूब भी जाते हैं, डीलिस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझ के आईपीओ में पैसा लगाना। अब इस तरह का टेक्निकल चार्ट बनेगा तो हमें पता तो रहेगा कि भाई एक कैंडल बनी है, फिर ये कैंडल बनी है, फिर ऐसे तो उसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, तो डाउन ट्रेंड में हम बिकवाली करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो पैसा कमाएंगे, या फिर इसका इस तरह से चार्ट बन रहा है तो चलो अब इसका अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में हम लॉन्ग के ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आईपीओ में जो न्यू आईपीओ लॉन्च होते हैं उसमें कभी पैसा मत लगाना, उसको पहले 6 महीने पुरानी होने दो, उसके बाद उसमें पैसा लगाओ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरी ये बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, 24 घंटे में आपको रिप्लाई दूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहो क्योंकि यहां पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं और आप सभी को सिखाता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।